कि एक दिन मैंने खुली आंखों से सपना देखा हूँ, मेरे मरीज, मेरे माता है, मेरी बहनें, मेरे बच्चों, मैंने खुली आंखों से सपना देखा हूँ कि एक दिन हमारा मंगल भवन बनेगा। आपको किसी आटो वाले की दुकामत नहीं करनी पड़ेगी कि भाई साहब हमको वहां पहुंचा दो, हमारे बाबा का कार्यक्रम है। एक दिन आपको सिर्फ इतना बोलना पड़ेगा कि हमारे संत शिरोमणि गाड़गे जी बाबा जी के मंगल भवन जाना है, ऑटो वाला आपको वहां पे पहुंचवाएगा। इस कार्य के लिए हमारे यहाँ पर बीच में हमारे जो प्रतिनिधिगण यहाँ पर आए हुए हैं वो हमारे पिता तुल्य होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे पूरे जिले को लेकर चलते हैं। जिले की हर छोटी और बड़ी गतिविधियों पर ध्यान देते हैं। हमें विश्वास है, पूरा विश्वास है उनके ऊपर, एक दिन वो हमारा सहयोग जरूर करेंगे, हमारे समाज की पीड़ा को समझेंगे और हमारे संत शिरोमणि गाड़गे जी महाराज ने जो कार्य किए हैं वो कार्य भी उनके दिमाग के अंदर है। क्योंकि हमारे मंचा सिंह जो अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारे गाड़गे जी बाबा को बहुत मानते हैं और उनके बारे में जानते भी है, जो आपके समक्ष रखेंगे भी। इस चीज को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे संत शिरोमणि गाड़गे जी महाराज, मैं सभी महोदय से थोड़ा सा विनम्र निवेदन करूंगा कि मैं 2 मिनट आपको हमारे संत शिरोमणि गाड़गे जी महाराज के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे संत शिरोमणि गाड़गे जी महाराज का जन्म एक गरीब परिवार में महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में क्या किया? उन्होंने अपने जीवन में केवल भ्रमण करने का कार्य किया है, स्थिर रहने का कार्य नहीं किया है। उनका कार्य क्या था? उनका सबसे बड़ा कार्य था शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना और जो स्वच्छता होती है, शिक्षा होती है, स्वास्थ्य के ऊपर उन्होंने विशेष जोर दिया। वो कभी भी एक स्थान पे नहीं रहते थे, वो कभी इस गाँव, कभी उस गाँव और कभी उस गाँव पहुंच जाते थे। साथ में एक थिएटर रखते थे हमेशा एक खरीदता और एक गड़गा रखते थे। गड़गा रखने के कारण उनका नाम गाड़गे जी महाराज पड़ा था। साथ में खरीदा क्यों रखते थे? साथ में खरीदा इसलिए रखते थे कि जब भी कहीं किसी गांव पहुंचने के बाद में सबसे पहले वो ऐसे खड़े हो जाते थे, इधर उधर निहारते थे और देखते थे घूड़ा लगा हुआ है, यहाँ पर घूड़ा लगा हुआ है, यहाँ गंदगी है, अरे भाई इस गांव के बच्चे बीमार क्यों है? इस गांव के बच्चे इसलिए बीमार है क्योंकि ये गंदगी पड़ी हुई है, इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग और बच्चे बीमार रहते हैं। गाड़गे जी महाराज ने निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं था, किसी पेपर में नाम नहीं आना था उस समय, किसी न्यूज चैनल पे उनका नहीं चलना था और ना ही किसी प्रकार से उनको कोई सिंहासन मिलना था। उन्होंने तो अपनी आत्मा के साथ में उस परेटा को लिया और स्वच्छता अभियान चालू कर दिया। गांव के लोग निहारते थे कि यार ये कौन है, ये वो व्यक्ति है कि जो आया हमारे गांव के अंदर और खरेटा लेके सफाई करने लग गया है। वो पूछते थे बाबा आप कौन हो? तो बताते थे मैं कोई नहीं भाई, आपके जैसा एक सामाजिक बंधु हूँ मैं, आपके समान इंसान हूँ मैं, आइए हम स्वच्छता करेंगे। आपके गाँव में ये जो बीमारी दिख रही है उसकी असली जड़ ये है। पूरे गाँव के लोग मिलते थे उनके साथ में और वो घोड़ा एकदम देवी स्थल पर बदल जाता था और उसके बाद में पूरा गांव मिलकर उस स्थल पर अपना गोपाला गोपाला का भजन करते थे। गोपाला गोपाला मतलब भगवान विष्णु। कौन कहते हैं कि गाड़गे बाबा नास्तिक थे? नहीं, हमारे गाड़गे बाबा नास्तिक नहीं, हमारे गाड़गे बाबा तो असली आस्तिक थे, जिन्होंने गोपाला गोपाला का मंत्र दिया था। गोपाला देव की नंदन गोपाला। देव की नंदन मतलब भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण को मानने वाले आस्तिक थे वो, लेकिन उन्होंने सिर्फ सबसे ज्यादा जोर किस चीज पे दिया है? तो स्वच्छता और शिक्षा। और इसीलिए आज महाराष्ट्र सरकार संत गाड़गे जी महाराज के नाम से स्वच्छता का पुरस्कार वितरित करती है और उन्हें ही स्वच्छता का जनक कहा जाता है। भारत सरकार उनके नाम से डाक टिकट निकालती है और
और ऐसे कई राज्य हैं, महाराष्ट्र कई राज्य हैं जहां पर साल में एक दिन संत शिरोमणि गाड़गे जी महाराज की जयंती पर अवकाश दिया जाता है। एक दिन हमारा दिन भी आएगा, हमारे जिले में भी आएगा। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूँ हमारे जिला के जो पदाधिकारी राजनेता हमारे भाई साहब श्री बबला शुक्ला जी, हमारे बड़े भैया श्री योगेश पंडागरे जी, हमारे पिता तुल्य आदरणीय डीडी उनके जी, ऐसे राजनेता है हमारे शहर के अंदर। एक दिन हमारा भी सपना पूरा होगा, एक दिन हमारा भी मंगल भवन होगा, एक दिन हमारे भी गाड़गे जी महाराज का चौराहा होगा और एक दिन हमारे गाड़गे जी महाराज के लिए भी बहुत सारे यहाँ पर इस जगह पर स्कूल और कॉलेज होंगे। ये सपना हम लोग आज देख रहे हैं खुली आंखों से और पहले भी देखते चले आए, एक दिन इसकी पूर्ति जरूर होगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने के लिए अगर हम बैठेंगे तो शायद बहुत सारे ऐसे कार्य हैं उनके जो बोलते चले जाएंगे, सुबह से शाम हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि आज हमारे देश में जो हमारे राजनेता वर्ग जो यहाँ पर आया हुआ है अपने अपने बहुत फुल समय व्यस्त रहते हैं, बहुत बड़ी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और आप सब लोगों के जीवन अच्छा रहे, आप सभी लोगों का भविष्य अच्छा रहे, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा रहे, आपको रोजगार मिले, कोरोना काल में जो आपके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम जुड़ी है निस्तारा हो जाए, उन सब के लिए लगातार दिन रात मेहनत करते हैं। मैं इन सभी राजनेताओं का, मेरे बड़े भाई समान, मेरे पिता तुल्य समान जो है, इन सबका मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, निवेदन करता हूँ मैं कि बहुत जल्दी हमारे लिए भी ये सोचेंगे और हमारे लिए भी, हमारे समाज के लिए भी कुछ नहीं तो हमारे एक मंगल भवन के लिए हमें जो जमीन चाहिए उसके लिए जरूर बोलेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने श्री माननीय श्री डीडी उइके सर से निवेदन भी किया था, उनको ज्ञापन भी किया था और उम्मीद है कि उसके ऊपर वो विचार विमर्श भी करेंगे। श्री आदरणीय योगेश भैया भी उस सपोर्ट में हमारे साथ रहेंगे।